लोकसभा में राहुल का पीएम पर हमला, डेढ़ घंटे के इंटरव्यू में मोदी जी राफेल पर रहे चुप। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाते हुए कहा है, प्रधानमंत्री ने इसी सदन में पिछली बार लंबा भाषण दिया लेकिन राफेल सौदे पर एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं नए साल पर दिए गए इंटरव्यू में भी पीएम मोदी ने राफेल पर कुछ नहीं कहा। राहुल ने कहा, देश पीएम मोदी से राफेल पर जवाब की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने जारी की ऑडियो टेप, पर्रिकर के बेडरूम में है राफेल से जुड़ी फाइलें। कांग्रेस ने राफेल मुद्दे पर गोवा के एक मुख्यमंत्री का ऑडियो जारी किया जिसमें मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर राफेल विमान सौदे के दस्तावेज को फिरौती की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल के डबल ए पर जेटली का क्यू से जवाब, बोले 6 महीने से राफेल पर झूठ बोल रहे मिस्टर गांधी। राफेल डील पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि पिछले 6 महीने में काफी झूठ बोला गया है। जेटली ने ऑडियो टेप को फर्जी बताते हुए कहा कि इसकी सत्यता बताने पर राहुल घबरा रहे हैं। कानून लाओ, राम मंदिर बनाओ, मोदी के बयान पर बोली वीएचपी, इतना लंबा इंतजार नहीं होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहे अयोध्या में राम मंदिर के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए साल पर दिए गए बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने असहमति जताई है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम मोदी के बयान से सहमत नहीं हैं क्योंकि राम मंदिर के निर्माण पर हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं। भारत लाए जा सकते हैं मुंबई हमले के साजिशकर्ता आतंकी हेडली और तहव्वुर राणा, एनआईए कोशिश में जुटी। 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता आतंकी डेविड कॉलमैन हेडली और तहव्वुर राणा का जल्द प्रत्यर्पण हो सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने 13 से 15 दिसंबर तक अमेरिका जाकर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर बातचीत की है। एनआईए की टीम की अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों आतंकी जल्द ही भारत की गिरफ्त में होंगे। 50 साल से कम उम्र की 2 महिलाओं की सबरीमला में एंट्री, किया गया मंदिर का शुद्धिकरण। सबरीमला मंदिर में 50 साल से कम उम्र की 2 महिलाओं ने भगवान अयप्पा के दर्शन किए। पहले भी इन दोनों महिलाओं ने दिसंबर में भी मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी लेकिन विरोध के कारण उन्हें लौटना पड़ा था। राफेल पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने राफेल मुद्दे पर 14 दिसंबर को आए उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए सर्वोच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की। सोहराबुद्दीन मामले को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोहराबुद्दीन मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि शाह को झूठे मामले में फंसाने के लिए यूपीए सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया था। शिवसेना ने कहा, मिशेल के दावे चुनाव से पहले सोनिया राहुल को घेरने की कोशिश का हिस्सा। शिवसेना ने आरोप लगाया कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के दावे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेरने का प्रयास है। 20 दिनों से कोयला खदान में जिंदगी और मौत से जूझ रहे मजदूर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। मेघालय में अवैध कोयला खदान में फंसे 15 खनिकों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट मेघालय में अवैध कोयला खदान में 20 दिनों से फंसे खनिकों को निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया।